हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो बार बार मुझे ये एक सवाल पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जो बार बार आता है कि IBPS RRB की लोकल लैंग्वेज जो है, इसके बारे में बार बार बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो है कि भैया मैं राजस्थान से हूँ एंड क्या मैं गुजरात से अप्लाई कर सकता हूँ, या मैं बिहार से हूँ क्या मैं कर्नाटका से अप्लाई कर सकता हूँ RRB के लिए। तो थोड़ी सी इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। कट ऑफ में बहुत वेरिएशन है। जैसे अगर ऑफिस असिस्टेंट की मैं बात करूँ आंध्रा प्रदेश में, अगर 71 लास्ट ईयर का कट ऑफ बता रहा हूँ ये, अगर 71 कट ऑफ था आंध्रा का, तो लेट्स सी ये तमिलनाडु का 57 है, गुजरात का भी बहुत कम जाता है, गुजरात का 56 है। अगर ऑफिस स्केल 1 की बात करूँ सिर्फ 42 गया था गुजरात में। सिमिलरली ये छत्तीसगढ़ में बहुत कम गया था, राइट। तो वैकेंसीज भी वेरी करती हैं, 42 46 देखिए यहाँ पे तमिलनाडु में है। तो कुछ एक स्टेट्स में जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, जैसे कि आंध्रा में देख लीजिए 56 गया है, हरियाणा में 57 गया हुआ है, पंजाब में सबसे ज़्यादा आई थिंक 58 गया था लास्ट ईयर। उड़ीसा उड़ीसा पंजाब, ये इन जो स्टेट्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मोस्ट प्रॉब्ली राजस्थान के स्टूडेंट्स बहुत मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो मुझसे यही सवाल पूछा जाता है कि सर मैं राजस्थान से हूँ क्या मैं गुजरात से अप्लाई कर सकता हूँ, या मैं मध्य प्रदेश से हूँ क्या मैं गुजरात से अप्लाई कर सकता हूँ। उससे पहले ये एक बार देख लीजिए, ये लोकल लैंग्वेजेस हैं। आंध्रा प्रदेश की लोकल लैंग्वेज जैसे तेलुगु है, अरुणाचल प्रदेश का लोकल लैंग्वेज इंग्लिश बताया गया है, ये देखिए ये लोकल लैंग्वेज है। लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लोकल लैंग्वेज जो है नहीं आती तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। पहली बात तो 10th या उसके, अगर आपने 10th क्लास तक अगर आपने ये लोकल लैंग्वेज पढ़ी है 10th के बोर्ड एग्जाम्स में, 10th में या प्लस टू में, अगर 10th में नहीं पढ़ी प्लस टू में पढ़ी है तो कोई बात नहीं एलिजिबल है, प्लस टू में पढ़ी नहीं पढ़ी ग्रेजुएशन में पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं एलिजिबल है। अगर आपने पढ़ी ही नहीं है, मान लीजिए आंध्र प्रदेश में कोई इंग्लिश स्कूल में कोई पढ़ा है स्टूडेंट, वो PO का एग्ज़ाम देना चाहता है, उसका जो मदर टंग है जो लोकल, उसने अभी तक जो घर पे बात करते हैं वो तेलुगु में बात करते हैं, राइट। लेकिन उसने कभी तेलुगु अपने स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ा, तो क्या वो एलिजिबल है या नहीं है? जी बिल्कुल एलिजिबल है, राइट। ये एक चीज़ को समझ लीजिए। इंटरव्यू के टाइम पे, या तो इंटरव्यू के टाइम पे एक आपका बेसिक एक टेस्ट होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। वैसे भी आप सोच के देखिए, ये एक लोकल RRB है, लोकल रूरल बैंक है, रूरल बैंक में लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे तो मोस्टली लोगों को इंग्लिश हिंदी ये सब लैंग्वेजेस आते हैं, जो मेन लैंग्वेजेस है वो आते हैं। लेकिन रूरल एरियाज में अगर आप जाएंगे, मैं पंजाब के रूरल एरिया में अगर मैं जाऊँ तो वहाँ पे सब पंजाबी बोलते हैं, वहाँ पे कोई हिंदी नहीं बोलता, वहाँ पे कोई इंग्लिश नहीं बोलता। जबकि ये अर्बन एरिया की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लोग इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादा बात करते हैं, पंजाबी यहाँ पे बहुत कम लोग बोलते हैं। तो सेम जो रूल है वो सब जगह अप्लाई होता है सारे इंडिया में, राइट। तो इसलिए RRB की जब बात आती है तो आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो अगर आपने 10th प्लस 2 में अगर नहीं पढ़ा हुआ तो एक ब्राइट चांस है कि आपको डिसक्वालीफाई कर देंगे, राइट। अगर फिर भी चलो आपको थोड़ा, आप घर में आप बोल के तेलुगु यूज़ करते हैं, ऐसे में लोकल लैंग्वेज आप बोलते हैं घर पे, तो फिर आपका एक सिंपल सा टेस्ट होगा कि आपको पढ़ना लिखना बोलना आता है लैंग्वेज के नहीं आता, न्यूज़पेपर पढ़ा के देख लेते हैं। तो ये एक बेसिक सा टेस्ट होता है, अगर आप पास होते हैं तो आपको जो है अलॉट हो जाता है, अलॉटमेंट हो जाती है जॉब। लेकिन यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछा है कि सर मैं, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है, अगर कोई स्टूडेंट्स राजस्थान के हैं, जैसे कि राजस्थान में 53 कट ऑफ जाती है, ये स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं कि जी गुजरात पास पड़ता है तो क्या मैं गुजरात से अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए गुजरात का लोकल लैंग्वेज गुजराती है, तो कोई एक स्टूडेंट आके ये भी बोलते हैं सर 6 महीने पढ़े हैं, 6 महीने में गुजराती सीख लूंगा। नॉट पॉसिबल, 6 महीने में आप एक नई लैंग्वेज नहीं सीख सकते, बोलना लिखना पढ़ना वो भी फ्लुएंसी में एक लैंग्वेज, इट इज़ नॉट पॉसिबल स्टूडेंट्स। तो कट ऑफ का ऑब्वियसली डिफरेंस तो है, लेकिन आप अप्लाई मत करिए। करने को ठीक है, कर सकते हैं, वहाँ पे झूठ लिखेंगे ना एट द एंड ऑफ द डे, ये तो आप झूठ हो गया, 10th तक नहीं पढ़ा लेकिन मुझे ये लैंग्वेज आता है, ऑन द स्पॉट आपको नहीं आता था और आपने झूठ बोल दिया, 6 महीने में थोड़ा बहुत समझ भी लेंगे लेकिन फिर भी वो बात नहीं बनेगी, राइट। तो
तो कोई फायदा नहीं होगा, एट द एंड ऑफ द डे सिलेक्शन हो जाए, अपने पे मेंस का पेपर भी क्लियर कर लिया, इंटरव्यू के टाइम पे अगर रिजेक्शन होता है तो बहुत दुख होता है कि यार मैं इतनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा और इंटरव्यू में मुझे रिजेक्ट कर दिया, सो दैट इज़ नॉट डन। ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था ये एक्सप्लेन करने के लिए कि प्लीज़ ये मत सोचिए कि 6 महीने में दूसरी लैंग्वेज सीख लेंगे, 10th या 10th के बाद अगर आपने लोकल लैंग्वेज अगर पढ़ी हुई है तो ही अप्लाई करें, या फिर आप जैसे अब गुजरात में रहते हैं आपको गुजराती आती है ऑलरेडी, लेकिन आपने गुजराती कभी पढ़ी नहीं है अपने स्कूल या कॉलेज में, फिर भी आपको गुजराती लिखनी पढ़नी थोड़ी बहुत आती है, तो आप ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल अप्लाई कीजिए गुजरात स्टेट के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा भी एक सवाल पूछा था कि सर मैं गुजरात से हूँ लेकिन मैंने कभी गुजराती पढ़ी नहीं है, मैं अप्लाई कर दूँ? तो बिल्कुल अप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो ये एक डाउट क्लियर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। देख लीजिए लोकल, अगर आप इतनी इन डेप्थ में नोटिफिकेशन पढ़ चुके हैं तो आपने ये सब तो आपको ऑलरेडी पता होगा और आप थोड़ा आगे की सोचने लग जाते हैं। स्टूडेंट्स कई बार ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं कि देखो यार यहाँ पे, देखिए अगर आप हिंदी भाषी स्टेट से हैं, मान लीजिए आप बिहार से हैं, तो आप बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू, ये जम्मू कश्मीर के कुछ एक बैंक्स, राइट, इवन हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या इवन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन स्टेट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि पंजाब में अप्लाई कर देंगे तो मत कीजिए, प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है, मिजोरम में मिजो है, तो देख लीजिए, राइट। अगर आप वैसे अच्छा इंग्लिश है तो नागालैंड में अगर आप जाना चाहते हैं तो वो आपका विषय। वैसे भी स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ कि ये RRB है, रीजनल रूरल बैंक है, ये शहरों में नहीं है, ये गाँव में है, ये बैंक सारे इनकी ब्रांचेस भी गाँव में है, शहरों में नहीं है। क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं किसी दूसरे स्टेट के गाँव में रहना? जैसे अगर मैं पंजाब में रहता हूँ, राइट, चलो वैसे तो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन पंजाब के किसी गांव में मैं रह सकता हूँ, इजीली सरवाइव कर सकता हूँ, क्योंकि शहरों और गांव में ठीक है, शहर सारे एक जैसे होते हैं। पंजाब, अगर मैं लुधियाना की बात करूँ, दिल्ली की बात करूँ, मुंबई की बात करूँ, ठीक है दिल्ली एक बड़ा शहर है, वहाँ पे मेट्रो है, बहुत कुछ दिखने को है, लेकिन कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वहाँ पे भी पोल्यूशन है, यहाँ पे भी पोल्यूशन है, वहाँ पे भी सुविधाएं हैं सारी, यहाँ पे भी हैं। लेकिन अगर मैं गाँव की बात करूँ, किसी पंजाब के गांव की बात करूं, यूपी के गांव की बात करूं, गुजरात के गांव की बात करूं, ट्रेडिशन बहुत अलग है, खाना बहुत अलग है, और आप अपने घर से इतना दूर जाएंगे ये भी बात आ जाती है। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान पे रख के ही अप्लाई करें, तो अभी के लिए इतना ही, राइट। तो RRB की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो learn.bankexamstudy.com पे जाइए, आपको बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल लिखूंगा, फ्री में टेस्ट भी मिलेंगे, प्रीमियम टेस्ट भी मिलेंगे, और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, राइट, यहाँ पे नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है वो ज़रूर दबाइए, एंड GK डैश एंड्रॉयड एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन पे, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कॉमेंट कीजिए, कॉमेंट कर दीजिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा डाउट है कि मैं समझ नहीं आया क्या हुआ, तो प्लीज़ आप कॉमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। मेल में कुछ पर्सनल है आप शेयर नहीं करना चाहते सबके साथ, तो raman@bankexamstudy.com ये मेरा ईमेल आईडी है। बट अगर ये मैं आई थिंक 4-5 बार रिपीट कर चुका हूँ, किसी दूसरे स्टेट से सिर्फ इसलिए अप्लाई करना क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ कम है, ये मत कीजिए, ये बहुत एक बेवकूफ़ी है कि गुजरात में कट ऑफ कम है, तमिलनाडु में कट ऑफ कम है, तो मैं वहाँ से अप्लाई करूँगा, मत कीजिए, ये बिल्कुल भी एक समझदार डिसीजन नहीं है। एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, इंटरव्यू के टाइम पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डोंट मेक सच मिस्टेक्स, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कल फिर से मुलाकात होगी, बाय।